हे गाइस, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं बात करूंगा MIUI 12.5 अपडेट के बारे में। जी हाँ गाइस, यहाँ पर इंडिया के लिए MIUI 12.5 MI पायलट यूजर की लिस्ट आ चुकी है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर फाइनल लिस्ट आ चुकी है, कौन से डिवाइस देखने के लिए मिलते हैं, कौन कौन सिलेक्ट हुआ है, क्या आपका डिवाइस सिलेक्ट हुआ है या फिर नहीं, कैसे चेक करना है, वो भी आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा गाइज यहाँ पर कब तक मिल सकता है ये डिवाइसों के लिए अपडेट, वो भी बात करेंगे। यहाँ पर गाइज आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, ये Xiaomi की तरफ से ऑफिशियल कल ही पोस्ट किया गया था। यहाँ पर आपको क्लियर देख सकते हो MIUI इंडिया MI पायलट लिस्ट रिलीज, यानी कि इंडिया के लिए लिस्ट है। लेकिन गाइज यहाँ पर ये लोग अपडेट कोई भी प्रोवाइड नहीं करा रहे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये लोग लिस्ट निकालते रहते, रजिस्ट्रेशन करते रहते, बट यहाँ पर किसी भी डिवाइस को कोई भी अपडेट देखने के लिए नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ ये लोग अपडेट डिले करते रहते हैं Xiaomi वाले। यहाँ पर आप लोग बता दूं कि यहाँ पर जो डिवाइस की लिस्ट है, फिलहाल के लिए Redmi की सीरीज मिल जाएगी, यहाँ पर आपको MI की सीरीज मिल जाएगी। पोको की लिस्ट अभी देखने के लिए नहीं मिले, उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपके पास Redmi का डिवाइस है तो यहाँ पर सिंपली टेलीग्राम चैनल है, इसको अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर लेना। फ्यूचर में सभी अपडेट्स की लिंक वगैरह पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे ये लिंक मिल जाएगी, इसको सिंपली जाके ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारे डिवाइस देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे रेडमी नोट 8 का डिवाइस है अगर आपके पास, तो यहाँ पर Redmi Note 8 सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली यहाँ पर ये जो सर्च ऑप्शन है, यहाँ पर आपको अपना MIUI अकाउंट नंबर डाल देना है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर MIUI डाल दोगे, जिस आईडी से आपने इंडिया के लिए जो रिक्वायरमेंट निकल के आई थी, आप लोगों ने रजिस्टर करके रखा था MIUI 12.5 पायलट यूजर के लिए, तो यहाँ पर वही आईडी आप लोग डाल देना। अगर सिलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके का बॉक्स यहाँ पर आपको इस आईडी के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके पास Redmi Note 8 के अलावा कोई और डिवाइस है तो आप लोग कैसे चेक कर सकते हो, यहाँ पर सिंपली इसमें जाना है आपको। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारे डिवाइस देखने के लिए मिल जाते हैं। Redmi 9 Prime है, K20 है, K20 Pro है, Redmi Note 10, 10 Pro, 10 Pro Max है, Redmi Note 8, 8 Pro है, Redmi Note 9, 9 Pro, Pro Max है, Redmi 8 सीरीज का डिवाइस है, Redmi 8A Dual है, Redmi 9 है, Redmi 9 Prime है, और भी इसके अलावा Redmi 9 Power का डिवाइस है। यहाँ पर इन डिवाइसों के आपको Redmi के सीरीज में देखने के लिए मिल जाएंगे। इन डिवाइसों की लिस्ट है, यहाँ पर इन डिवाइसों में कौन से यूज़र की आईडी सिलेक्ट हो चुकी है वो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर आपके पास Redmi Note 9 Pro Max का डिवाइस, सिंपली आप लोग टैप करके यहाँ पर अपना आईडी नंबर सर्च कर लेना, आप लोग सिलेक्ट हो या फिर नहीं यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये Redmi सीरीज के लिए था। अगर आपके पास MI सीरीज का डिवाइस है तो उसी तरीके से आप लोग MI सीरीज की आईडी वगैरह चेक कर सकते हो। यहाँ पर गाइज ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती कि ये लोग सिर्फ Xiaomi वाले सिर्फ यहाँ पर MIUI 12.5 अपडेट तो कोई भी दे नहीं रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अपडेट मिलना स्टार्ट हो गए, लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिले देखने के लिए मिल रहा है। कोई प्रॉपर तरीके का शेड्यूल नहीं देखने के लिए मिल रहा है कि इंडिया में किस मंथ में अपडेट स्टार्ट होंगे, कौन से डिवाइस को सबसे पहले अपडेट देखने के लिए मिलेंगे, कोई भी इस तरीके का शेड्यूल तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स डिले होते हैं, और अपडेट्स आते भी है तो उसमें काफ़ी कम फीचर मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा बग्स भी देखने के लिए मिलते हैं। बट यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, Xiaomi के ऊपर ही डिपेंड करता है लोग कब कौन सा अपडेट प्रोवाइड करा दे कौन से डिवाइस के लिए। हमें तो सिर्फ वेट करना है, जैसे अपडेट आएगा तो हमें अपडेट कर लेना है, मुझे अपडेट आएगा तो आप लोग को वैसे ही बता देना है। यहाँ पर ये दो लिस्ट है, पोको की जैसी आएगी मैं आपको कन्फर्म कर दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, आप लोग जाकर जरूर चेक कर लेना। फिलहाल के लिए दो लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तरीके से चेक कर सकते हो अपने डिवाइस आईडी के यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर सिलेक्ट अगर आप लोग हो चुके हो तो यहाँ पर अपडेट कब से मिलना स्टार्ट होंगे, यहाँ पर आप लोग को ये अपडेट इस मंथ के एंड तक काफ़ी कम चांसेस है। लेकिन गाइज यहाँ पर नेक्स्ट मंथ से डेफिनेटली मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ गाइज, यहाँ पर जून के मंथ से अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे पायलट यूज़र को, यहाँ पर सभी डिवाइसों के लिए धीमे धीमे करके मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए जो लिस्ट निकल के आए थे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम चैनल अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करके रख लेना। ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करके नीचे लाल बटन सब्सक्राइब का उसको भी प्रेस करके जाना। इस वीडियो में इतना, मिलते अगले वीडियो में, बाय।